आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जिसको लोग देखना और सुनना बहुत पसंद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म के विषय में आज हम इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाइबल में परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर दर्शाया गया है। यद्यपि बाइबल में लगातार आश्चर्य कर्म का वर्णन नहीं है, परंतु इन्हें तीन मुख्य समय में सूचित किया गया है। पहला समय, इस समय या कालों में एक वह समय था जब इजरायली लोग मिस्र के दासत्व में थे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वह अपने लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करे। अतः परमेश्वर ने अपने महान आश्चर्य कर्म करके अपने लोगों को बचाया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा दिया। हम वचन देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 4:34-35, यहोशू 4:23-24। दूसरा समय, एलिया और एलिसा का समय था जबकि इजराइल के धर्म को मिटा देने का संकट उत्पन्न हुआ था। तब कुछ आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया जो उसके अति विश्वास योग्य बने रहे थे, और उसने उन्हें दंडित किया जिन्होंने इजराइल से परमेश्वर यहोवा की आराधना को मिटा देने का प्रयत्न किया था। हम वचन देख सकते हैं 1 राजा 19:15-18 तक। तीसरा समय वह था जबकि परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में आया और उसने उन लोगों के द्वारा कलीसिया को स्थापित किया जिन्हें उसने विशेष सामर्थ्य दी थी। हम वचन देख सकते हैं 2 प्रेरितों 22:3-6, 4:10, 1 कुरिन्थियों 12:10, 28:19, 2 कुरिन्थियों 12:12। इन सब आश्चर्य कर्मों से सबसे अधिक महान आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के जन्म और उसके पुनरुत्थान से संबंधित है। परमेश्वर का कार्य मनुष्य बनने में एक महान आश्चर्य कर्म है क्योंकि उसने एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया था। हम वचन देख सकते हैं 1:18-23, यूहन्ना 1:14। मसीह विश्वास के पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना मसीह विश्वास का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। 1 कुरिन्थियों 15:12-14 देखिए। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इसके विषय में और बहुत सी बातें हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने और मैंने बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और बहुत सी बातों को देखेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।